कोई गांजा भांग अफीम, अलग अलग स्वाद है, पर कथा के स्वाद में यदि कुशल हैं वो सौनक जी महाराज। अद्भुत प्रश्न, अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर सम प्रभा सूत ख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे नाथ, आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों करोड़ों भगवान भास्कर के समान है, इसलिए आप ऐसा कीजिए कथा का सार कहिए पर रसायन मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए रसायन हो। तो आयुर्वेद में आपको पता है चूर्ण काढ़ा भस्म और रसायन चार पद्धतियां। यहां पर सोनक जी कह रहे हैं कि मुझे चूर्ण वाली कथा नहीं चाहिए, मुझे काढ़ा वाली भी कथा नहीं चाहिए, मुझे भस्म भस्म भी बिना सहारे के नहीं ली जा सकती, मुझे रसायन वाली कथा चाहिए। और रसायन आयुर्वेद में ऐसा है कि जो एक बूंद मुर्गे मुर्दे में भी छींट दिया जाए वो भी एक बार उठ करके बैठ जाता है। जो रसायन राजमहल की रानी पी गई, मीरा ने रसायन पिया, रसखान ने, नानक ने, चैतन्य ने, कबीर ने, तुलसी ने, जैसे ये पोलियो का प्रचार होता है ना दो बूंद जिंदगी के लिए, यहां पर भागवत पीठ उद्घोष करती है कि एक बूंद ही जिंदगी के लिए काफी है। एक बूंद राजमहल की रानी पी गई, एक बूंद इस रस का बन बन डोले घर घर बोले चढ़ा नाम रस चस का। गिरधर की दीवानी मीरा छुटा ध्यान अप जस का, राजमहल की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। सूत ख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, एक बार मिल जाए फिर कुछ शेष ना रह जाए। पर वो रसायन केवल रसायन मात्र ना हो कि कहीं समाधि लगा दे, कहीं समाधि ही लगा दे, ऐसा भी नहीं। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवी क्रियते कथम। ज्ञान वैराग और विवेक को बढ़ाने वाला, भक्ति को प्रदान करने वाला हो और माया मोह से निवृत्ति करा दे, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारा जड़ तो मोह है। मोह की निवृत्ति हो जाए और सारे संसार के पवित्र का भी पवित्र, सारे संसार के श्रेय का भी श्रेय, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन। श्रेयसाम यद भवत श्रेया पावना नाम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्पदाधुनम। भगवत प्राप्ति का शाश्वत साधन हो, एक बार कर लेने के बाद फिर निहारना न पड़े कि वो भगवान किधर से आएंगे। एक बार साधन कर लिया जाए तो परमात्मा चल के आ जाए, हमें ना जाना पड़े, क्योंकि जाके खोज नहीं सकते, कहां कहां दौड़ोगे। नाथ चिंतामणि लोक सुखम सुरर्दु स्वर्ग संपदाम, ये तो स्वर्ग की संपदाएं हैं, पर इस
कल्प वृक्ष क्या है, ये भूतल का कल्प वृक्ष क्या है, आप वो बता दीजिए। सोनक जी के प्रश्न को सुनते ही सूत जी बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए कहा, अरे सोनक बड़ा अद्भुत साधन है, बड़ा अद्भुत कल्प वृक्ष है। देखो देखो ये संसार की जो स्थिति है, काल व्याल मुख ग्रास हो त्रास निर्णास है, तब है काल रूपी सर्प के गाल में हम सभी बैठे हुए। ये काल क्या है, ये समय ही काल है, ये जो घड़ी घूमती है ना, इसी के अंदर में सभी हैं। काल कहीं बाहर से नहीं आता, कई लोग बोलते आया उठा के ले गया, न आता है न जाता है, वो यहीं रहता है। काल ब्याल मुख ग्रास हो, काल रूपी समय रूपी सर्प के मुख में हम लोग बैठे हुए। अब बताओ सांप के मुख में बैठने के बाद कोई बच सकता है? पर सूत जी कहते सोनक ऐसी व्यवस्था है कि त्रास निर्णास है, तबे वहां से भी बचाने का जो साधन है श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत पर कीरेण भाषितम, कीर माने तोता, यानी सुखदेव जी के द्वारा जो गाई हुई भागवत है वो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है। तब भागवत तो चतुर्श्लोकी भी है, आमेवा समेवाग्रे नानद ये सत्वम पश्चात हम यदे तच्चो यो शिष्य सोस्म्यहम ऋतेर्थ यत प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि यद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महंती भूतानि भूते सुचावते समु प्रविष्टान प्रविष्टानि न तेषां न तेष्वहम। भागवत तो चतुर्श्लोकी है, और वो नहीं, भागवत तो सूत जी ने भी गाई पर वो भी नहीं। सूत जी स्वयं कहते हैं कि मेरे द्वारा गाई नहीं। भागवत तो वेद व्यास जी ने जैमिनी को भी पढ़ाया, सुमंतु को पढ़ाया, कई शिष्य थे, पर नहीं जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया वो कथा। क्यों? क्योंकि वक्ता यहां त्यागी है, अनुरागी है, वैरागी है। वक्ता वैरागी हो और श्रोता त्यागी हो तब कथा प्रकट होती है महाराज। ये अगम पंथ दीवानों का इसे संसारी क्या समझेगा, कथा है। क्योंकि कथा से ही त्याग का जन्म होता है, कथा त्याग प्रकट करती है। और परीक्षित जैसा त्यागी है, चक्रवर्ती सम्राट थे, एक क्षण में सब कुछ परित्याग दिया। इसलिए सूत जी कहते हैं श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, सुखदेव जी के द्वारा जो गाई हुई भागवत है वो कल्प वृक्ष है। और हुआ क्या, बोले जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। यहां पर देवता संसारी लोगों की भूमिका अदा कर रहे हैं। देवताओं ने कहा महाराज आपके यजमान को मरने का डर है, इसलिए ऐसा करो ये अमृत पिला दो, इसको विदा करो, जाने दो, कथा का लाभ हमको दे दो ना। सुखदेव जी हंस पड़े, अरे देवताओं कितने स्वार्थी हो तुम कथा की महिमा नहीं जानते। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महा, अरे कहां कांच का टुकड़ा कितना भी चमकीला हो पर हीरे की बराबरी नहीं कर सकता। और देवताओं को विदा कर दिया, कथा नहीं प्रदान की, क्योंकि कथा की जो महिमा है अलौकिक है। देवामृत को पिलाने वाले स्वयं भगवान, देवामृत को पिलाने वाले स्वयं भगवान मोहिनी कपटी है। देवताओं के लाइन में अमृत, दैत्यों के लाइन में मदिरा कपटी है।
पर कथामृत का पान कराने वाले सुखदेव जैसे परमहंस निष्कपटी है। माइक लगा है, पंडाल बना, बैठो सुनो। देवामृत को पीने के बाद नंदन मन की याद आती है, जो देवताओं का बन है, पर कथामृत को पीने के बाद नंदन नंदन की याद आती है। देवामृत को पीने के बाद जीव दीर्घ जीवी होता है, पर कथामृत पीने के बाद दिव्य जीवी होता है। इसलिए सुखदेव जी ने उन देवताओं को वापस कर दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक जब परीक्षित का मोक्ष हुआ, विमान भू हुआ महाजनात्पासत, ब्रह्मा के लोक का भेदन करके विमान जब जाने लगा तो ब्रह्मा जी के चारों दिमाग डिस्टर्ब हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे कैसे होता है, सांप के डंसन से? ये अकाल मृत्यु है, अकाल मृत्यु वाले की सदगति नहीं होती, ये कैसे हुआ? मेरे लोक का भेदन करके परीक्षित भगवत धाम को जा रहा है। देवताओं ने समझाया, महाराज उन्होंने भागवत की कथा सुनी है, गंगा के किनारे सुनी है। ब्रह्मा जी को फिर भी समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका मतलब सारे साधन बेकार हैं? देवताओं ने कहा, महाराज आदि समझ में नहीं आता है तो हम आपके चार मुख है, अब हम एक एक मुख वाले हैं तो आपसे माथा पच्ची कर नहीं सकते, इसलिए आप ऐसा करो ना, कोई व्यवस्था हो तो प्रैक्टिकल कर लो, कोई व्यवस्था हो तो प्रैक्टिकल कर लो। तो ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया। तराजू के एक पलड़े पर सारे साधनों के फल को रखा और एक पलड़े पर भागवत के फल को रखा। जैसे उठाया महाराज तो सारे साधन वाला पलड़ा उठ गया, भागवत जी वाला पलड़ा ही भूतल में रखा रह गया। वही सूत जी कहते हैं, वही भागवत की जो महिमा है, भागवत की जो विधि है, वो नारद जी ने सनक सनंदन सनातन संत कुमारों से श्रवण की। ये कैसे हुआ? बोले एक बार नारद जी जो है बद्रिकाश्रम की ओर यात्रा कर रहे थे, सनक सनंदन सनातन संत कुमारों से मुलाकात हो गई, पर नारद जी के चेहरे में उदासी थी। इस अंदर जो कैसेट लगता है ना, वो ये स्क्रीन है टीवी वाली, ये बता देती है, पढ़ने वाला चाहिए, सारा कुछ यहां नजर आ जाता है। कुतश चिंतातुरो भवान, नारद जी ने अपनी चिंता का कारण बताया। यहां आए, फिर मैं श्रीरंगम, कुरुक्षेत्र, हरिक्षेत्र, भारत के समस्त तीर्थों में भ्रमण करता रहा और करते करते कहीं पर मुझे थोड़ा डर सा लगा, क्योंकि नाना प्रकार से जो है नाना प्रकार के लोगों ने पहले घर बांटा, फिर परिवार बांटा, दीवार बांटी, भगवान को भी बांट के बैठ गए। वो कहता ये मेरा भगवान है, वो कहता मेरा भगवान है, वो कहता मेरा भगवान। कहीं पर मुझे कुछ शांति का कोई सिस्टम नहीं दिखाई दिया। फिर वहां से चलते गृहस्थियों के यहाँ गया तो महाराज वहां पर जो मैंने देखा, अरे बड़ी विलक्षण स्थिति थी, तीर्थराज प्रयाग है, क्या वर्णन करना है। पर यहां पर चार बातें कही है जो हमारे जीवन के सबसे बड़े बाधक हैं साधना में। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, जीव की स्थिति हो गई, बोले मंद है। अब कहते ना मंद मती, जानता है समझता है पर मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि सुबह नींद बढ़िया आती है इसलिए उठता नहीं है। आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मंदा, जो हमारे सारे साधनों को निगल जाता है। महान रिपु है आलस। दूसरा सुमंद मतया, कहता भी है जैसे हम लोग बोल रहे हैं, सब कुछ करता है
पर उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करता। वो ये कहता है, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं क्यों? सुमति है, पर वो सुमति होते भी मंद है आलस के कारण। मंद भाग्य है, जहां कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, उसको पाने के बाद भी जो न तरे भव सागर नर समाज रस पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जा। अरे भैया, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। उसे भी परिश्रम करना होता है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, दैवेन दैव पुरुषा क्वा पुरुषा बदन्ति, दैवेन दैव मितका पुरुषा बदन्ति। भाग में होगा, मिल जाएगा। अरे भैया, भगवत प्राप्ति भाग में नहीं है। भगवत प्राप्ति ये भाग में नहीं है, ये तो सौभाग्य की बात है। और वो सौभाग्य तो तभी बनेगा जब आपके जीवन में पुरुषार्थ होगा। जब आपके जीवन में पुरुषार्थ होगा, और पुरुषार्थ का वो क्रम मैंने आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, तो साधक की पुरुषार्थ है। नारद जी ने कहा, मैं वहां से घूमते हुए और चलता गया चलता गया, परंतु जब पहुंचा फूल वृंदावन धाम की जय हो, वहां पर मैंने आनंद का अनुभव किया। जहां भगवान की लीला स्थली थी, परंतु वहां पर मैंने एक दृश्य देखा, एक युवती रो रही है, दो पुरुष अचेतन पड़े हुए हैं, बहुत सी स्त्रियां उस युवती को समझा रही हैं, परंतु फिर भी उसके दुख का निवारण नहीं हुआ। जब मैं वहां से निकला, उस युवती ने आवाज लगाई, हो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय, दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा अगहरम परम। बाबा रुको रुको, मेरी चिंता का निवारण करो, क्योंकि मैंने सुना है दर्शनम तव लोकस्य, क्योंकि साधु दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पाप नाशनम। मैंने सुना है दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। बाबा, मुझे लगता है यथा भाग्यम भवे दूरी भवतो दर्शनम तव, मेरा सौभाग्य जागृत हो गया, आपका दर्शन हो गया, क्योंकि मैंने सुना है बहुधा तव वाक्येन आपके प्रवचन के द्वारा कितने जीवों का कल्याण हो गया है, कितनों का दुख, आज मेरा सौभाग्य है। आज के दिवस जाऊं बलिहार, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस में तो जाऊं बलिहार, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहार, मेरे चरण पखारू करूं दंडवत
सुख हो वैभव हो तो सब सुनेंगे, पर दुख के समय जो सुनता है उसका नाम साधु है। संसारी दुख के समय नहीं सुनता, कितने रो रहे हैं नहीं सुनता कोई, दुख के समय साधु सुनता है। नारद जी कहते हैं कहां से तुम कौन हो, का बीमा चेरिया काना रिया पद्म लोचन बद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख सकार। देवी तुम कौन हो, ये स्त्रियां कौन है, ये तुम्हारे सामने अचेतन अवस्था में पड़े ये कौन है और तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार पूर्वक कहो। संसारी के सामने कोई दुख निवेदन करता है तो संसारी कहता शॉर्ट में बोल, मेरे पास समय नहीं है, कर। पर एक साधु है, जब कोई दुखिया जाता है सुखिया जाएगा तो साधु कहेगा लो प्रसाद लो जाओ भजन करो, पर जब कोई दुखिया जाता है तो महात्मा कहता बैठ बता। दुख में साधु सुनता है। नारद जी कहते बद देवी सविस्तार विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि जब डॉक्टर पूरा सुनेगा कब से हुई कैसे लक्षण है क्या है उसके बाद उपचार करेगा ना। और जिस डॉक्टर के पास गए खड़े हो गए पर्चा आधा पर्चा भर दिया फिर पूछता क्या हो गया तुमको बताओ, इसका मतलब वो डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं करना चाहता। सदगुरु वेद वचन विश्वासा संयम यघन विषय की, नारद जी कहते बददेवी सविस्तारम विस्तार पूर्वक कहो, तब भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया। नाथ उत्पन्ने द्रविणस्याहम् वृद्धिम कर्नाटके क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जूर्णताम गता। मेरा जन्म भी बहुत अच्छी जगह हुआ, मेरा लालन पालन भी बहुत अच्छी जगह हुआ, पर गुजरात में जो है मैं जीर्ण हो गई, क्योंकि जहां पाखंड होता है वहां भक्ति नहीं होती। गुजरात में उस समय, इस समय की बात नहीं, उस समय गुजरात की भूमि बंजर थी, पर इस समय गुजरात उपजाऊ है। ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ, तो भक्तमाल में प्रियादास जी कह रहे हैं, नाभा गोस्वामी कह रहे हैं, जब नरसी मेहता का गुजरात की पावन धरा में जन्म हुआ तो नरसी ने ज्ञान वैराग्य रूपी बैल को लेकर के और महाराज भक्ति रूपी जो हल चलाया उस पूरी भूमि को उपजाऊ कर दिया। धन नरसी गुज्जर जिन पावन कियो, नाथ वहां से चलकर के जब मैं वृंदावन आई यहां बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। मैं तो युवान हो गई पर यहां समस्या ये हो गई कि मेरे बेटे बूढ़े हो गए, बूढ़े ही तो छोड़ो अचेतन अवस्था को प्राप्त हो गए,
मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग मेरे बेटे हैं, ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा आदि पवित्र नदियां हैं, मेरी सेवा के लिए आई हैं, परंतु फिर भी मेरा दुख नहीं जा रहा। कारण क्योंकि संसार में यदि देखा जाए तो संतान ही दुख और सुख का कारण है, साधु समाज में वैराग में शिष्य ही दुख सुख का कारण है। शिष्य यदि लायक होता है तो सदगुरु का हृदय आयु बढ़ जाती है, और यदि नालायक हुआ तो उनकी आयु छीन हो जाती है। उनके मन में चिंता व्याप्ती है कि इतना बड़ा साम्राज्य मैं किसके हाथ में सुपुर्द करूं। जहां से भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का जहां से उपदेश होता है, समाज को शिक्षा मिलती है, आज के बाद कौन शिक्षा देगा? सदगुरु चिंतित हो जाता है, सदशिष्य को पाकर सदगुरु का हृदय फूल जाता है। ऐसे ही संसार में सदपुत्र को प्राप्त करके मनुष्य की आयु बढ़ जाती है, और यदि कुपुत्र को प्राप्त कर लेता है तो उसकी आयु छीन हो जाती है। अजात मृत मूर्खाणाम ना अंतमस्तु पदे पदे, जिसके नहीं है कम दुखी है, जिसके हो के मर गया वो भी कम दुखी है, थोड़ी देर याद करेगा, पर जिसके होने के बाद मूर्ख है, अज्ञानी है, नालायक है, वो पग पग में कष्टदायक होता है।